गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिला कबीरधाम के सहसपुर लोहारा में नए थाना भवन का लोकार्पण किया एवं तीन नए कानूनों के लागू होने पर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने उपस्थित साथियों को नए कानून के विषय में जानकारियां दी। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ब्रिटेन की संसद में पारित कानूनों से भारत में प्रशासन आगे बढ़ रहा था। अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप जो कानून होने चाहिए वो आज लागू हो चुके हैं। अब जो FIR दर्ज होगी वो नई धाराओं के अंतर्गत होगी। पहले राजद्रोह हुआ करता था, राजा को गाली देने से गैर जमानती धाराएं लगती थी। अब राजद्रोह समाप्त हो गया है, अब राष्ट्रद्रोह हो गया है। अगर किसी ने देश को गाली दी या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो बड़ी धाराएं लगेगी। बड़ा महत्व के बाद ये हमें कि हमारे ये थाना भवन के भी उद्घाटन हुए है लोहारा में, और दूसरा यह भी महत्वपूर्ण विषय है कि तीन नया कानून के प्रावधान रात 12 बजे से पूरा देश में लागू हो गए। वो का कानून है भाई, का परिवर्तन हो गए? तब मैं आप लाइन में एक बात बताना चाहता हूं कि एक कानून रही से इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट रही से 1872 की रही, तो 1872 में तो भारत में कोई यही नहीं रही से ना, पार्लियामेंट ही नहीं रही से, तो वो कहां पारित हो रही से? इंग्लैंड में पारित हो रही है, और इंग्लैंड में पारित होकर के लागू कहां हो रही है? भारत में लागू हो रही है। वो इसने IPC इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड हा एहू हा इंग्लैंड में पास हो रही है और भारत में लागू हो रही है। तीनों अलग अलग बात है। IPC मतलब इंडियन पीनल कोड, CRPC मैंने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे तीन प्रकार के कानून रही से। इसमें कुछ परिवर्तन बाद में कर रही है इसे, परंतु अधिकतम सब कुछ इंग्लैंड के संसद में पारित कानून भारत में लागू रही से। समय के साथ साथ परिवर्तन हो रही से, तो इसमें संशोधन के भी बहुत आवश्यकता रही से। ब्रिटेन की संसद में पारित कानूनों से भारत में प्रशासन आगे बढ़ रहा था। अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप, हमारे प्रावधानों के अनुरूप, हमारे मान्यताओं के अनुरूप जो प्रावधान होने चाहिए वो तीनों कानून आज से लागू हो रहे हैं। आज रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं, और अब जो FIR होंगे वो नए धाराओं के अंतर्गत होंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें मैं आपको एक ही बिंदु कहना चाहूंगा कि पहले राजद्रोह हुआ करता था, राजा को गाली देने से धाराएं लगती थी गैर जमानती, अब राजद्रोह समाप्त हो गया है, अब राष्ट्रद्रोह है। अगर किसी ने देश को गाली दी या देश की संपत्ति का नुकसान किया तो बड़ी धाराएं लगेंगी।